नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको कराऊंगा हरियाणा के इतिहास के बारे में। तो हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ध्यान से देखिएगा। जैसे पहला क्वेश्चन पूछ लेता है, हरियाणा का अन्य नाम प्राचीन काल में और क्या क्या हुआ करते थे। तो पहले एक नाम था जी ब्रह्मवर्त, हरियाणा को ब्रह्मवर्त कहा जाता था, या फिर ब्रह्मर्षि प्रदेश भी कहा जाता था जी, ब्रह्मर्षि प्रदेश भी कहा जाता था, और एक नाम और होता था जी ब्रह्मा की उत्तर वेदी, ब्रह्मा की उत्तर वेदी। तो प्राचीन काल में हरियाणा को ब्रह्मवर्त, ब्रह्मर्षि प्रदेश और ब्रह्मा की उत्तर वेदी के नाम से पुकारा जाता था। अगला क्वेश्चन, भरतवंशी शासक जिसने हरियाणा से विजय अभियान शुरू किया, उनका नाम क्या था जी, सुदास जी ने हरियाणा से अपना विजय अभियान शुरू किया। फिर क्वेश्चन पूछ लेता है, महाभारत का युद्ध कहां पर लड़ा गया। तो महाभारत का युद्ध लड़ा गया जी कुरुक्षेत्र में, महाभारत का युद्ध हुआ कुरुक्षेत्र में। फिर क्वेश्चन पूछ लेता है, महमूद गजनबी ने थानेसर पर आक्रमण कब किया। तो महमूद गजनबी ने थानेसर पर आक्रमण किया जी 1014 ईस्वी में। फिर क्वेश्चन पूछ लेता है, थानेसर किस राजा की राजधानी था। तो थानेसर जो था वो राजा हर्षवर्धन, थानेसर जो था जी वो राजा हर्षवर्धन की राजधानी था। फिर क्वेश्चन पूछ लेता है, फिरोज तुगलक ने कौन सा नगर बसाया। तो फिरोज तुगलक ने फतेहाबाद नामक नगर को बसाया। फिर क्वेश्चन पूछ लेता है कि पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई और किस किस के बीच में हुई। तो पानीपत की जो पहली लड़ाई थी वो हुई है जी 1526 ईस्वी में, और किस किस के बीच में हुई है, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोधी, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोधी। ठीक है जी, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में लड़ाई हुई है, और कौन जीता था, बाबर ने ये लड़ाई जीती थी और इब्राहिम लोधी हार गया था जी। फिर क्वेश्चन पूछ लेता है, अकबर के समय रेवाड़ी का शासक कौन था। तो अकबर के समय रेवाड़ी का जो शासक था वो था जी हेमचंद, और इसे हेमू कहा जाता था जी, शॉर्ट में इसे कहा जाता था हेमू। फिर क्वेश्चन पूछ लेता है, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई। तो पानीपत की जो दूसरी लड़ाई थी वो हुई जी 1556 ईस्वी में, पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई 1556 ईस्वी में, और किस किस के बीच में हुई, अकबर और हेमू के बीच में जी, अकबर वर्सेस हेमू। हेमू कौन, मैंने अभी आपको बताया हेमचंद के बीच में। तो इस लड़ाई में कौन जी, अकबर की जीत हुई और हेमू जो है वो हार गया। फिर क्वेश्चन पूछ लेता है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई। तो पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है वो हुई जी 1761 ईस्वी में, और किस किस के बीच में हुई, अहमद शाह अब्दाली वर्सेस मराठों के बीच में। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुई, और इस लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई और मराठों को हार का सामना करना पड़ा। फिर क्वेश्चन पूछ लेता है कि 1809 और 10 में सारे हरियाणा पर किनका अधिकार था। तो 1809 में पूरे हरियाणा पर किनका अधिकार था जी, अंग्रेजों का अधिकार था। फिर क्वेश्चन पूछ लेता है, आर्यवंशी कुरुओं ने हरियाणा में किस युग का प्रारंभ किया। तो आर्यवंशी कुरुओं ने हरियाणा में कृषि युग का प्रारंभ किया जी, कृषि युग का। फिर क्वेश्चन पूछ लेता है, श्री कृष्ण द्वारा गीता का उपदेश कहां दिया गया। तो श्री कृष्ण जी ने गीता का उपदेश कहां दिया जी, कुरुक्षेत्र में, श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया जी कुरुक्षेत्र में। फिर क्वेश्चन पूछ लेता है, यौधेय काल में हरियाणा को किस नाम की संज्ञा दी गई। तो क्या कहा गया जी, बहुधान्यक प्रदेश।
ठीक है जी। योधेय काल में हरियाणा को किस नाम की संज्ञा दी गई? बहुधान्यक प्रदेश। फिर मेरा लास्ट क्वेश्चन जी, 1756 और 57 में हरियाणा किसके अधिकार क्षेत्र में था? तो 1756 और 57 में जो हमारा हरियाणा है वो मराठों के अधिकार क्षेत्र में था, मराठों के। तो दोस्तों ये थे मेरे हरियाणा इतिहास के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगभग हर पेपर में आपको इसमें से एक या दो क्वेश्चन मिलेगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा, और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।